पृथ्वीराज चव्हाण जी महाराष्ट्र के नेता है कांग्रेस के, लेकिन भारत रत्न देने का निर्णय जो होता है वो केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय लेता है। और हमेशा ये हमारी भी मांग रही है सावरकर, वीर सावरकर का सम्मान करने की, तो कोई विरोध करता उनकी भूमिका है हो सकती है, लेकिन पृथ्वीराज चव्हाण साहब को मालूम है वीर सावरकर ने कितना बड़ा त्याग किया है, कितना बड़ा संघर्ष किया है। जिंदगी के 14 साल अंडमान में रहना ये असामान्य घटना ही देश में हुई है। 50 साल की उम्र कई उस वक्त उन्हें लगी थी, 14 साल काटे हैं, बाद में बाहर जाकर जेल भोगाए। जो लोग उनको विरोध करते हैं भारत रत्न देने के लिए, वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी विचारधारा के हो, ये सभी को 2-2 दिन अंडमान में उसी सेलुलर जेल में, उसी काल कोठरी में जहाँ वीर सावरकर को रखा था, दो दिन रखना चाहिए, फिर समझेगा सावरकर ने, वीर सावरकर ने देश के लिए कितना बड़ा त्याग, संघर्ष और बलिदान दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।